नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने पहले वीडियो से आप सभी को अवगत करा रहा था, बता रहा था और वार्न कर रहा था कि आप बिल्कुल इस शेयर से दूर रहें, सिंटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड से, है ना। और बिल्कुल डिलीट हो सकता है और कभी भी ज़ीरो हो सकता है, सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता रखी थी कि हाँ भैया, रिलायंस ने खुद रेजोल्यूशन प्लान में अपने प्रपोज कर रखा है कि हम इसको डिलीट कर देंगे। लेकिन अभी डिलीट नहीं हुआ है, मैं यही बता दे रहा हूँ, परेशान मत होइए, अभी डिलीट नहीं हुआ है। तो क्या अभी मौका है, कितना मौका मिलेगा? अभी ट्रेडिंग सस्पेंड हुई है, तो क्या यहीं से डिलीट भी कर दिया जा सकता है? बिल्कुल संभावना हो सकता है, लेकिन हम वो जो 0.01% की अगर हो भी बची है तो उसको हम क्यों छोड़ें, मेरा मानना सिर्फ ये है। तो कई सारे मैसेजेज आ रहे थे आज, बहुत सारे लोगों के मैसेजेज आए कि सर क्या हुआ, शेयर बिल्कुल दिख नहीं रहा है, मंडे ट्रेड हो रहा था सो वो भी नहीं दिख रहा है। तो गाइज आप कंसोल में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। और सस्पेंशन और जब कंपनी डिलीश होती है तो कैसा मामला बीएससी पे रहता है, क्या रहता है, उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा होने वाला नहीं है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसी नाम से है, सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। और ये वाली जो न्यूज़ परेशान थे लोग, मैंने देखी इस पर टेलीग्राम पे डाल दी थी, यहाँ पर लिख दिया था कि सिंटेक्स इंडस्ट्रीज ट्रेडिंग सस्पेंडेड। और दूसरा अभी फ्यूचर लाइफस्टाइल और फ्यूचर कंज्यूमर के रिजल्ट्स आए हैं, वो मैंने डाले हैं। और अडानी ग्रुप में बहुत अच्छी खबर आई है, गवर्नमेंट एग्री हो गई है यहाँ पर, क्या कहते हैं, कमेटी बनाने के लिए शेयर होल्डर्स के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर। तो काश ऐसे हम जैसे जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो इस तरह की कंपनियों में फंसे हैं, जहाँ पर अगर ये डिलीट होगा या इसकी वैल्यू को कम किया जाएगा शेयर की, तो हमारा कितना पैसे का नुकसान होगा। तो काश इसमें हम लोग भी ऐसा कुछ होता जिसमें हम जैसे जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो भी बच पाते। यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व थे, तो यहाँ पर मामला क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को फिलहाल ऐसा किया है, जो मुझे ऐसा लगता है गाइस, है ना। तो खैर आगे बढ़ते हैं, इस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, चलिए समय वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सिंटेक्स इंडस्ट्रीज को आज, ये कल 10 फरवरी को ट्रेड हुआ था, और यहाँ पर लिखा हुआ सस्पेंडेड ड्यू टू प्रोसीजरल रीजंस। बिल्कुल, तो यहाँ पर कोई भी प्रोसीजरल रीजंस हो सकते हैं। जब कंपनी सस्पेंड होती है तो उसका मतलब क्या होता है, पहले तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। व्हाट डज सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग इन अ स्टॉक मीन? अ स्टॉक कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम द एक्सचेंजेस ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद रेगुलेशंस। बिल्कुल, जो रेगुलेशंस में जो नियम कानून है उसका अगर आप पालन नहीं करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, NSE और BSE से जो कंपनी के शेयर हैं उसको सस्पेंड कर दिए जाते हैं। अच्छा, आगे देखिए, वंस सस्पेंडेड द स्टॉक इज नो लॉन्गर ट्रेडेड इन एक्सचेंजेस। बिल्कुल, मैंने बताया सस्पेंडेड स्टॉक्स हेल्ड बाई यू विल नॉट बी विजिबल ऑन काइट। यह देखिए, ये जीरोधा का है ना, और अगर बाकी जो और भी ब्रोकर हैं उनमें भी वहाँ पर भी आपको नहीं दिख रहा होगा, है ना। लेकिन बट यू कैन चेक देम ऑन कंसोल, लेकिन कंसोल में आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कंसोल में दिख रहा है या जो बाकी दूसरे ब्रोकर्स के ब्रोकर के पास जिनके पास इंटेक्स इंडस्ट्रीज हैं, क्या उनको दिख रहा है अकाउंट में या कंसोल में? देखिएगा, आपको दिखेगा, 100% दिखना चाहिए। यू कैन चेक द लिस्ट ऑफ सस्पेंडेड स्टॉक्स ऑन ईच एक्सचेंजेस वेबसाइट। बिल्कुल, यहाँ पर वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, मैं हालांकि गया था वेबसाइट पे BSE के, लेकिन अभी फिलहाल अपडेटेड नहीं है, तो वहाँ पर मैंने सर्च किया तो दिखा नहीं रहा था अभी फिलहाल सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का नाम। तो हो सकता है एक दो दिन लगता हो अपडेट होने में, जो भी है। अच्छा, और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। द सस्पेंशन ऑफ अ कंपनी स्टॉक में हैव बियरिंग ऑन इट्स वैल्यू बट डजेंट नेसेसरली मीन डेट द वैल्यू ऑफ द शेयर इज जीरो। बिल्कुल, देखिए इसीलिए मैं लेके आया हूँ ताकि आप परेशान मत होइए। देखिए, उसमें भी वैल्यू है अभी, इसका मतलब ये नहीं है कि सस्पेंड हो गया तो इसका मतलब वो जीरो वैल्यू हो गई है। अभी हम आगे देखेंगे कि जब डिलीट होता है तब कैसा दिखाता है। देखिए, अभी यहाँ पर आपने ये चीज़ देखी ना, जब अभी ये सस्पेंशन है ना, जब कंपनी डिलीट हो जाती है तो ये कैसा लिख के आता है, अभी आप देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता चल गई कि भैया जब सस्पेंशन हुआ है तो अभी फिलहाल मामला है। और देखिए, अभी ये तो प्रपोज्ड रेजोल्यूशन प्लान था, क्या पता अभी मानी साहब का मूड कुछ बदल जाए, वो हो सकता है नई एंटिटी बनाए जो, और उसके शेयर्स क्या कहते हैं आपको दे दें, है ना। भले हो सकता है कम ज़्यादा मिले, लेकिन मिले, है ना। और हो सकता है कि क्या कहते हैं इसी को लिस्टिंग रहने दें और इसी को ये आगे चला दें। तो ये अब डिपेंड करता सारा कुछ उनके ऊपर जिन्होंने फिलहाल लिया है, रिलायंस और ACRE ने। और आगे बढ़ते हैं। खैर, इट ओनली मीन्स दे आर नॉट अलाउड टू ट्रेड ऑन एक्सचेंज। बिल्कुल, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये अलाउ नहीं करे जा रहा है ट्रेडिंग एक्सचेंजेस पर, ट्रेडिंग को अलाउ नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ पर और क्या बता रहे हैं, देखिए कि जो सस्पेंशन है वो कई कारणों से हो सकता है, बाय द एक्सचेंजेस माइट बी सेवरल रीजंस बट इफ द सस्पेंडेड कंपनी कंप्लाइज विद ऑल रेगुलेशन, यानी कि जो सस्पेंड हुई है कंपनी वो अपने जो सारे रेगुलेशन को कंप्लाइज कर देती है, जो भी कमियाँ थी उसको पूरी कर देती है, द सस्पेंशन विल बी रिवोक्ड एंड द शेयर्स विल स्टार्ट ट्रेडिंग अगेन। बिल्कुल, तो सस्पेंशन को रिवोक कर दिया जाएगा और ट्रेडिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, फ्यूचर ट्रेड ने तो काफ़ी महीनों से अपने नंबर्स तक नहीं रिलीज़ किए हैं, ना कर पाई है, क्योंकि वो भी IRP में चल रही है। यहाँ पर सिंटेक्स ने अपने नंबर तो रिलीज़ किए थे, तो जबकि फ्यूचर रिटेल जेड ग्रुप में है और सिंटेक्स इंडस्ट्रीज जेड ग्रुप में नहीं है। जेड ग्रुप में वही कंपनियाँ रखी जाती है जो नॉर्म्स को, जो रेगुलेशन को फॉलो
नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी प्रोसीजरल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ऐसा किया हो सेबी ने या जो भी कुछ इशू उठ रहे हों, लेकिन फिलहाल यहाँ पर यही ये तो क्लियर कट जो बता रहे हैं कि भैया सस्पेंशन का मतलब अभी शेयर जो है उनकी वैल्यू है आपके पास, वो आपके ब्रोकर उसमें ब्रोकर में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप कंट्रोल में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। इफ़ द कंपनी गेट सस्पेंडेड देन इवेंचुअली क्लोज, अच्छा यानी कि अगर कंपनी सस्पेंड हुई और उसके बाद वो क्लोज हो जाए, यू विल हैव टू राइट इट ऑफ एज अ लॉस। बिल्कुल, तो यहाँ पर तब आपको इसको आपका लॉस समझना चाहिए। देर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इट, बिल्कुल फिर उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा नहीं होगा जिसमें आप ज़्यादा कुछ कर पाए। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने जब सर्च किया यहाँ पर गूगल पर कि अभी जो रिसेंटली डिलीश हुए स्टॉक्स उनके बारे में बताएं, तो ये आप देख पा रहे हैं आधारशिला कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड 9 जनवरी 2023 को यहाँ पर ये डीलिस्ट हुआ है स्टॉक, ठीक है। मैंने जब गूगल पे सर्च किया और जब ये मैंने खोला यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, डीलिस्टिंग स्टॉक से दिखा रहा है नो इक्विटी सिक्योरिटीज लिस्टेड, ठीक है। और देखिए लास्ट डेट ये हुआ है भाई साहब 11 फरवरी 2016 में, उसके बाद लगभग भाई चल रहा है 2023 चल रहा है, समझ रहे बात को, 9 जनवरी 2023 को ये डीलिस्ट हुआ है, ये वाला माफ़ कीजिएगा, ये वाला 9 जनवरी 2023 को ये डीलिस्ट हुआ है, एक सेकेंड, हाँ ये वाला अगर आप नंबर देखेंगे ना, ये वाला 5394 93 यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं तो 5394 93, तो ये 2016 में 11 फरवरी 2016 को लास्ट ट्रेड हुआ होगा, यानी कि उस समय माइट भी सस्पेंडेड हुई हो ट्रेडिंग, सस्पेंड हुई हो और उसके बाद फिर जो भी हुआ हो उसके बाद फिलहाल जब डीलिस्ट हुआ तो यहाँ पर क्या लिख के दिखा रहा है नो इक्विटी सिक्योरिटीज लिस्टेड। तो कुल मिला के आपको ये समझना चाहिए कि अगर सिंटेक्स इंडस्ट्रीज डीलिस्ट हो गया होता तो यहाँ पर ये लिख के आ रहा होता, तो इससे क्लियर कट है कि अभी डीलिस्ट नहीं हुआ है। देखिए पैसे की वैल्यू तो मैं पहले वीडियो से बता रहा हूँ कि आप मान के चलिए निकल ही जाइए, जितना बचा पाए बचा ले, जो लोग नहीं निकल पाए हैं, जो लोग फंसे हैं, जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी, एवरेज वगैरह कर लिया, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि अभी भी थोड़ी सी होप बची हुई है। अगर मान लीजिए मूड बदलता है, जिन्होंने रेजोल्यूशन प्लान दिया है कुछ चेंज करना चाहेंगे तो वो भी बिल्कुल कर सकते हैं, अब तो पूरी पावर उन्हीं के हाथ में है, उनका रेजोल्यूशन प्लान जो है वो अप्रूव हो गया है, और हो सकता है कुछ मान लो 1000 के बदले 5 शेयर दे दें, कुछ भी दे सकते हैं, 100 के बदले 1 शेयर दे दें, या कुछ भी दे सकते हैं, या कुछ अच्छा मान लो इसी को कंपनी को लिस्ट रहने दें और क्या पता है भागने ही लग पड़े, तो कुछ भी संभावना है, तो इसलिए आपको फिलहाल होप नहीं खोनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आशा करता हूँ गाइस आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, जो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे, और आपको पता है मैं मैसेजेस में सभी को रिप्लाई करता हूँ, कमेंट्स में कोई अगर डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं, बशर्ते अच्छी लैंग्वेज में हो, साफ सुथरी भाषा में हो, ठीक है, तो मैं सभी को रिप्लाई करता हूँ। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और गाइस मैं अपने पर्सनल व्यूज़ मैंने यहाँ पर रखे हैं, मैं बिल्कुल गलत भी हो सकता हूँ, आप जानते हैं मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं हर वीडियो में आपको क्लियर कट बता देता हूँ ये सारी चीज़ें। चलिए गाइस धन्यवाद, और हाँ अगर आपने फ्री में डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाके खोल सकते हैं, एस्प्रेसो बाय शेयर खान और एलाइस ब्लू दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट खोलने को मिलेगा, और शेयर खान में तो आपको पता ही है कि अगर आप लॉस होता है तो कोई ब्रोकरेज नहीं लगती, इंटरडे में प्रॉफिट होता है तभी आपको ब्रोकरेज लगती है। चलिए गाइस धन्यवाद।